अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ठीक है, वैसे मेरे मुंह से GT5 निकलने लगा था। खैर यार, आज है ईद। ठीक है, ईद का दूसरा दिन है। पहला दिन तो मेरा सो के गुजरा है। दूसरे दिन कोई बाहर आए हैं, ठीक है, मस्त माहौल, मीठे चोल करने सीन। अभी यहाँ पे बकरे खड़े घास फूस खा रहे थे, तो वो पीछे ले जाकर उन्होंने बकरे जिबा कर दी है। तो मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे बकरे बकरे होते हैं जिबा, परमिशन लेनी पड़ती है उनके लिए। तो हम अब इतना ताम झाल क्या कहते हैं, दाम झोल नहीं कर सकते, तो इसलिए पाकिस्तान में यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये करते हैं, पाकिस्तान में सीसाड़ लवा लेते हैं या फिर वो पाकिस्तान में अपनी कुर्बानी करवा लेते हैं। तो यही सीन है यहाँ पे। बाकी ईद इंजॉय करने के लिए होती है, कुर्बानी करने के लिए होती है। कुर्बानी तो हमने मतलब कि वही, या तो पाकिस्तान में सीसाड़ लवा लो या फिर ऐसा करो कि पाकिस्तान में बकरा लेकर कुर्बान कर दो, या किसी रिश्तेदारों को कि वो कर दे आपके लिए। बाकी इंजॉय करना होता है तो इंजॉय करने निकले हैं। आज शॉपिंग मॉल में आए हैं, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। पहली दफ़ा यारों में घर के करीब ही है, तुम लोग चेक कर लो पार्किंग कितनी बड़ी है यार इस मॉल की। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ अंदर जाकर तुम लोगों को दिखाता हूँ। और इस शॉपिंग मॉल का नाम पता है क्या है? इयोन, ये लिखा हुआ है इयोन टाउन। तो ये काफ़ी बड़ा है यार, और मुझे लगता है यहाँ पे 2-3 दिन लगकर मैं घूमता रहूँ ना, फिर ही सारी दुकानें पूरी ना हो, इतना बड़ा है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि वो तुम्हें सारी नोटिफिकेशन दे दिया करे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। ये हमारे खड़ी है सामने मार्केट्स, लेकिन ये वाली पसंद नहीं है मुझे, पसंद है 2004 वाली। चलो भाई, अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये एंट्रेंस है यहाँ की, वैसे जाना वहाँ से पड़ता है। ये देखो, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, लेकिन आपका भाई पिरो इनफ सड़क से जा रहे हैं भाई। यहाँ पर पुलिस ने देख लिया तो उसने मुझे पकड़ना था अभी। खैर, वी आर लकी इनफ, हमें पकड़ा नहीं किसी ने। ओए सिरक मिल गई यार। ये देखो सिरक वाले लोंडो, मतलब सिविक वाले भाइयों, तुम लोगों की रानी यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, हाँ मतलब कि है यहाँ पे भी आई है वाली सिविक। फ़र्क इतना है कि ये लिफाफा नहीं है, वो लिफाफा है जो पाकिस्तान में है। ये JDM है, वो लिफाफा है। अब यार तुम लोग ये ना कहना कि भाई चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। अभी अंदर जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ। बड़ा सीन है भाई अंदर, बहुत सीन है। चलो भाई, पहले आप दुकान में घुसोगे ना, सबसे पहले गाने चल रहे हैं ऊपर, ये करना पड़ता है 1 मिनट। ठीक है, मैं ही करता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। चलो भाई, मेरा जो टेम्परेचर वो आया 36.2। तो अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, लाइटें। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम लोगों को क्या दिखाऊँ इसके अंदर। है ये डिपार्टमेंटल स्टोर सा बना हुआ है, और यहाँ पे बेकरी साइड छोटी सी बनी हुई है। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई आइसक्रीम वाला कोई सीन मिल जाए यहाँ पे। तो खैर फिलहाल ये देखो, ये मैप लगा हुआ है यहाँ पे एक। चलो मेरा ख्याल है ऊपर ही चलते हैं यार, आ जाओ। ये टोपियाँ हैं रिबॉक की, ये देखो यार अच्छी है यार ये, लेकिन ये है कितने की? ये देखो भैया, इतने की कसम खुदा की मैं 10 टोपियाँ इतने की लो ना, 10 रुपये जानी है यहाँ पे इतने की। लेकिन ये वही सीन है कि यहाँ पे आपको ना देखना पड़ता पहले कि क्या चीज़ कितने की मिल रही है। यहाँ पे आपको सेम क्वालिटी 100 रुपये की भी मिलेगी और सेम क्वालिटी 10,000 की भी मिलेगी, तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता आपको। बाकी ये सारे आंटी उंटी के कपड़े ही हैं यहाँ पर, अपना कोई काम नहीं इतना। तो मैं कोई चीज़ मतलब कि ढूंढता हूँ, फिर तुम लोगों से मुलाकात करता हूँ। ठीक है, वेट करो, तब तक सिनेमैटिक शॉट देखो। अच्छा भाई, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, देखो ये तरबूज कितने के हैं भाई। ये तरबूज है कटा हुआ आधा, ये देखो कितना छोटा इतना तरबूज है, ये देखो। अरे गिर ना जाए बस जानी, ये नहीं खाते ही हम। ये देखो तरबूज, ये इतना सा है, छोटा सा, मतलब मेरे हाथ जितना है ये। 600 रुपये का यार, टैक्स पड़ के 700 रुपये हो जाना है। ठीक है, ये इतना मेरे मतलब कि फुटबॉल जितना तरबूज है, और ये देखो कितने का है भाई, 1,000 रुपये का तरबूज है। ठीक है, और जो इतना बड़ा तरबूज है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये है तकरीबन 3,200 रुपये का। तो भाई तरबूजों को यहाँ पे लगी हुई आग, ये तरबूज के अंदर ना बम डालते हैं,
सीधी बात है, इतने महंगा बम भी हो सकता तरबूज नहीं हो सकता। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिल गए हैं कार्टून, और ये आंटी मशहूरी कर रही हैं अपने कार्ड की, तो हमने कार्ड नहीं लेना बाय द वे। चलो अब दूसरी बिल्डिंग में घुसते हैं हम, और घुसते को मज़े मज़े करते हैं यार, क्योंकि जो पुरानी पिछली वाली बिल्डिंग थी ना उसमें इतना मज़ा नहीं आया। चलो भाई लेट्स कंटिन्यू द राइड, मतलब मेरा मतलब द व्लॉग। और दिखाता हूँ यहाँ पे, मुझे सामने एक बड़ी मजे की चीज नजर आई है, जो कि मैं पहली बार देखी है जापान लगे, मैंने भी 6 साल हो गए जापान आए, लेकिन मैं भी पहली बार देखी है। मॉल के अंदर गाड़ी बांट दिया, छोटा का शुरू बांट दिया मॉल के अंदर। भाई तुम लोगों को और क्या चाहिए बताओ, वो देखो सामने गाड़ियां खड़ी हुई है यार, मतलब गाड़ियां तो अपना लव है यार। ओए होए ये पहली खड़ी है अल्फाड, आए हाय हाय यार, मैं कहता हूँ भाई मैं रोज ही आया करूंगा यहाँ पे। ओए हो तो अच्छा ये पहली गाड़ी खड़ी है ना, ये टोयोटा अल्फाड है, अल्फाड। अब पता नहीं यार मैं वीडियो बना बनू सकते हैं कि नहीं बना सकते, पाकिस्तान की तरह ना आ जाए सर कैमरा बंद करिए, वीडियो नहीं बना सकते आप। ये देखो यार ये टोयोटा की अल्फाड है, ठीक है, इसकी जो प्राइस है ना वो ये प्राइस है जेन में। तो यार ये है टोयोटा अल्फाड, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको निकलवाना ना किस्तों पे, तो महीने की इतनी किस्त देनी पड़ेगी आपको सिर्फ, ठीक है, ये तकरीबन आपको देनी पड़ेगी कितने साल, 60 दफ़ा देनी पड़ेगी आपको। और गाड़ी तुम लोग चेक कर लो, मतलब क्वालिटी है यार गाड़ी की, ये देखो, लेकिन खैर क्वालिटी चेक कर लो तुम लोग गाड़ी की यार, क्या अमेजिंग क्वालिटी है गाड़ी की यार, ये देखो मतलब अखीर लेवल है यार। ये सेम वही गाड़ी जो आपको गेम में देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये 7 लाइट्स लगी हुई है अंदर, और मतलब क्वालिटी ऐसी है ना कि यार तुम लोग कहोगे लिटरली यार क्या अखीर लेवल है। ये देखो मतलब मैं खुद पहली दफा इस तरह आया हूँ, मतलब इस तरह गाड़ी देख रहा हूँ, और 0 मीटर गाड़ी है यार। आप खोलते हैं दरवाजा इसका ड्राइविंग सीट वाला, ये देखो दरवाजा खोलो आपको साथ ये मिलता है, तो पता नहीं स्टार्ट होती है नहीं होती, स्टार्ट नहीं होगी भाई क्योंकि इसका वो नहीं है अपना, ये तारे हैं इसकी, मतलब लाइटें हैं इसकी यार, अखीर लेवल है गाड़ी का। चलो भाई और भी देखते हैं, पता नहीं है बिल्कुल मतलब हाथ उठ लगा सकते कि नहीं, मैं तो लगा रहा हूँ भाई, हम तो हैं पाकिस्तानी, हमें कोई शौक मतलब हमें कोई वो नहीं है। अच्छा ये यारिस है, यारिस क्रॉस, आई थिंक ये थोड़ी टोयोटा करोला क्रॉस जो आई है ना उससे मिलती जुलती है, करोला एक्स अपनी क्या सीन है, इसकी जो किस्त है ना महीने की वो इतनी है, 1 महीने की किस्त, तो जो पानी बंद है इसलिए ले लेते हैं गाड़ी। नहीं नहीं अब तुम लोग इसकी क्वालिटी चेक कर लो, तो ये देखो ये मतलब पीछे से थोड़ी CHR टाइप लगती गाड़ी, ये देखो ठीक है। उसके बाद ये देख लो पीछे से, देख लो तुम लोग ये देखो पीछे से, मतलब वो मतलब हाँ इसमें ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो अपना थोड़ा सा ना लेग रूम वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अब आए थे इसकी मीटर की तरफ, तो ये देखो यार मतलब गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हो सकती अभी, लेकिन मीटर शीटर चेक कर लो, और ये मतलब इसका थोड़ा जो मीटर अपना अंदर वाला सीन है ना सारा वो थोड़ा मिलता जुलता है अपना उससे, करोला जो आती है पाकिस्तान में करोला क्रॉस, ये यारिस क्रॉस है, ये नाम भी लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी अच्छी है यार। उसके बाद यहाँ पे आई थी अपनी वॉक्सी, ये पाकिस्तान में बहुत कम गाड़ी है, ये बोली बहुत कम गाड़ी है, ये फिर भी है सियंटा, ये भी है और वो भी है। तो तुम लोगों को मैं कौन सी दिखाऊँ पहले गाड़ी, तुम लोगों को मैं ये दिखाता हूँ वॉक्सी, ये देखो भाई मतलब तुम लोगों को कैसे दिल ना यार इस गाड़ी के ऊपर, ये देखो तुम लोगों को कैसे दिल ना है, मेरा बहुत दिल है भाई इन गाड़ियों के ऊपर यकीन मानो, बस मतलब बिल्ड क्वालिटी तुम लोग देखो ना, कहीं से कोई चीज़ उखड़ी ना कुछ, ये देखो
ये पीछे का लेग रूम है सारा, लेग स्पेस अपना, ये अपना 7-सीटर गाड़ी होती है यहाँ पे, और इसका जो डोर होता है ये भी ऑटोमेटिक होता है, इसको बस आपने दुबाने की देर है, ये देखना। तो मतलब ये सीन है यार यहाँ पे सारा। बाकी यार गाड़ी तो बहुत अखीर है ये वाली, और इस और ये बंद होगा दरवाजा, ठीक है। अब आपने ये दबाया, ये बंद हो गया, अब आपने ये दबाया, ये खुद ही खुल जाएगा दरवाजा। बाकी यार अब आ जाते हैं सियंटा की तरफ। तो सियंटा जो है भाई ये देख लो, ये अच्छा इसके कलेक्शन का कलर ये वाला आता है स्पेशल, ये पाकिस्तान में भी गाड़ी है खैर। ये देखो पहली चीज़ है, तुम लोग नोटिस करोगे ना इसके डोर के अंदर यहाँ पे ये लगे हुए हैं अपना ट्विटर, उसके बाद ये स्क्रीन लगी हुई है देखो, और ये ओरिजिनल स्क्रीन है। मतलब छोटी सी गाड़ियों के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं आपके पास यार, व्हाट डू यू नीड मोर। मैं तुम लोगों को फिर बता दूँ, मैं पाकिस्तानी गाड़ियों को सिर्फ इसलिए हेट करता हूँ कि यार क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये देखो ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता है यहाँ पे, मतलब इन्होंने इतनी जदीद कर दी गाड़ी। अभी देखो छोटी सी गाड़ी है, मेरा ख्याल 1500 cc की गाड़ी है, ठीक है, ये मेरा ख्याल 1500 cc की गाड़ी है। और ये कितनी है इसकी लोन, इसके इसी महीने की किस्त ये है सिर्फ 5000, महीने का 5000 दो आप बस, ठीक है। सब अगर मैं पूछता हूँ इससे ही कौन सी है, ये 1000 cc की गाड़ी है, 1000 cc की गाड़ी, टू व्हील ड्राइव है, CVT है, 5 बंदों की, कस्टम जीप पैकेज है इसका। इसमें भी आपको भाई ये चीज़ मिल रही है यार, तुम लोग तो क्या चाहिए, देखो 1000 cc की, ये बताओ। उसके बाद देखो स्पेस कितनी है यार, मतलब लिटरली मेरी मूव जितनी स्पेस है इसके अंदर, ये देखो मतलब फुल 90 डिग्री पे इसका डोर खुलता है पूरा, और अंदर अगर आ जाओ तो तुम लोग ये देखो, ये यहाँ पे नेविगेशन लगी हुई है, सारा कुछ सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब बखीरी लेवल है यार ये, मैं फिर वही कहता हूँ कि यार जापानी गाड़ियाँ अनदर लेवल के ऊपर हैं यार। ये देखो अब तुम लोगों को मैं इसके अंदर से दिखाता हूँ, दरवाज़ा खुलेगा तो यहाँ पर ऑडिशन नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ आपका डिग्गी खुली है, दरवाज़ा खुला हुआ है। बाकी इसका स्टेयरिंग व्हील है, लॉक हुआ पड़ा है, चाबी मेरे पास है कोई नहीं, वो देखो सामने, ये देखो स्टार्ट है लेकिन चाबी नहीं है मेरे पास, वही बात है, वो देखो चाबी अलग दे रहे हैं। मतलब यही बात है ना, देखो पेंट की क्वालिटी तुम लोग देख लो, यहाँ पे सील देख लो, कहीं से कोई चीज़ उखड़ी नहीं हुई। तो ये होती है बिल्ड क्वालिटी जो टोयोटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गाड़ियों के ऊपर। बाकी ये जो नई गाड़ी है इनकी राइज है, ये पाकिस्तान में भी अभी आई है, मैंने एक आधा ब्लॉग देखा है, अपना रिव्यू देखा है, ये वाली गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। और इसके ऊपर तो मतलब कि पूरी किट लगी हुई है, देखो किट्स लगी हुई है पूरी नीचे ना। और ये वाला कौन सा पैकेज है, ये इसमें लिखा होगा, ये जेड पैकेज है इसके अंदर, और ये तकरीबन जो है ना ये 1000 cc गाड़ी है, 1K RVET इंजन है इसके अंदर, 2-wheel drive CVT है, ठीक है। और मतलब कि यार अखीर लेवल है, इसकी भी 6400 रुपये किस्त है महीने की, तो तुम लोग अंदर से खुद ही देख लो कि यार ये देखो पर्ल है इसके अंदर थोड़ा सा ना, ये देखो पेंट इसका थोड़ा पर्ल पेंट है इसके अंदर। बाकी देखो यहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है कि मुझे गाड़ी को छेड़ने छोड़ने दे रहा है। बाकी देखो इसका मीटर भी कितना कमाल का, ये देखो अंदर सारी इसकी ना, तो मतलब इस अनदर लेवल पे ये चीज़ इसकी। इसके अंदर डोर जो है स्लाइडिंग डोर नहीं है, ये पीछे को खुलता है तो इसलिए स्लाइड डोर नहीं है, लेकिन बाकी जितने के वो गाड़ी है और उसके बाद अपनी ये वाली जो गाड़ी साथ खड़ी है ना, उनकी डोर है ना स्लाइड डोर होते हैं। बाकी रिम देखो यार, ये अपना ना ये उसके लगे हुए हैं, अपना कंपनी है एक आती है, ये देखो ये कंपनी है, ये इस कंपनी इसको टायर लगे हुए हैं, और बॉडी किट्स भी इसकी लगी हुई है। अगर सादी गाड़ी तुम लोग देखो ना, सादी गाड़ी इस तरह की होती है, ये देखो सादी गाड़ी इस तरह की होती है। बाकी यार बहुत बहुत मतलब ना अखीर लेवल है इनका ना। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ, ये नई एक्वा आ गई है यहाँ पर, पाकिस्तान में भी नहीं आई होगी, पाकिस्तान में आ जाएगी, लेकिन ये नई एक्वा की शेप है, ये देखो न्यू एक्वा, ये देखो ठीक है, ये इसका बैक है और ये फ्रंट है इसका, ये तो बॉडी किट वाली है और ये सादी है गाड़ी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अखीर है, अभी जाके मैं इनसे पूछूंगा इनके पास एक्वा का है, सुइयों से अकुआ नो शशि आरिमस शिंगाता अकुआ।
तो भाई ये देखो, ये जो है ना, ये अपना ये नहीं एक्वा है, मैंने उससे मांगा, ठीक है। ये देखो, अब तुम लोगों को और क्या चाहिए भाई, ये देखो, मतलब इसमें ये देखो, ये नई शेप है इस गाड़ी की, ये कुछ शेप है इस गाड़ी की, ठीक है। मतलब अखीर कर दी इन्होंने, ये देखो, ये बैक से है नॉर्मल की, बाकी तुम लोगों को मैंने दिखाई दी है, ये देखो। तो व्लॉग जो है ना वो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, बाकी चलो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अच्छा भाई, अभी रास्ते में मिल गया हमें। तो यार ये एक सीन था कि आपका भाई जो है ना टोयोटा की गाड़ियाँ देख के पागल हो गया था, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का पागल हो गया था, ठीक है। तो बाकी यही है कि ये देखो नई एक्वा ये है, मैंने ये रख लिया, मुझे ये कलर करने का थोड़ा शौक है, वो कलर जो थी इसकी मेरे पास काफ़ी थी, अब खैर नहीं है, लेकिन मैंने एक ले लिया इससे अभी। तो बाकी साइकिलें सीकलें लगी हैं, तुम लोगों को दिखाना साइकिल कितनी महंगी है यहाँ पे, ठीक है, साइकिल कितनी महंगी है, तुम लोग पागल हो चुके, ठीक है। ये देखो भाई, ये साइकिल है बैटरी वाली साइकिल है, जिसके अंदर बैटरी है, बैटरी भी चलती है, ये 1,05,000 रुपये की साइकिल है सिर्फ ये वाली, ये वाली। उसके बाद आए हो तो ये बच्चों ने साइकिल, मतलब अगर किसी मदर ने साइकिल लेनी है अपने बच्चे के लिए, आगे बच्चा होगा पीछे साथ, यहाँ पे माँ बैठी होगी चला रही होगी, तो ये 1,50,000 रुपये की है यामाहा की बैटरी वाली, ये भी वैसे ही 1,50,000 रुपये की, और ये भी 157 की है। बाकी नॉर्मल जो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए होती है वो ये है, मतलब 25,000, 26,000, 26,000, ठीक है, ऐसे है। तो भाई यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें हैं, अगर तुम देखो ना तो यहाँ इससे बेहतर है कि आप लोग ने जाके ले लो यूज़ गाड़ी ले लो, अपना यूज़ साइकिल ले लो आप यहाँ पे, खैर गाड़ी भी ज़्यादा यूज़ ही बिकती है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा उन्होंने रास्ते भी अपनाया हुआ है यहाँ पे। बाकी ये देखो, ये देखो यार यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी, टच सिस्टम है ये, तुम लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था, ये देखो मैंने ये लेना है, ये किया मैंने, ये आ गया, अब मैं यहाँ पे टच करूँगा तो बाहर निकल आएगी। बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी में तो यार सबसे आगे हैं ये लोग। ये देखो, ये एक्वेरियम सब बनाया हुआ इन्होंने, अब ये पता नहीं ओरिजिनल फिश हैं कि दो नंबर फिश हैं, नहीं दो नंबर हैं। आओ भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। ये देखो बच्चों के लिए यहाँ पे छोटी सी ना एक वो है अपना गाड़ी सी बनी हुई है, मतलब अगर तुम बच्चे हो ना और तुम जापान आ गए हो तो मैं कहता हूँ कि तुम अखीर लेवल के, तुम ना वो अपना खुश किस्मत। अच्छा तो मैं ये अभी ऊपर आया हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो यहाँ पे सारा ये फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, एक तो ये देखो पंखे, लाइट के अंदर पंखा लगाया हुआ, ये देखो
ठीक है ये है। उसके बाद मैं सामने जा रहा हूँ ना, ये तुम लोगों के लिए भाई अलग ही लेवल है, अलग किस्म का लेवल है। तुम लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ जाके, बाकी इसका डिटेल ब्लॉग आएगा, एक डिटेल ब्लॉग। तो भाई जान ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक स्टोर है यहाँ पे सारा, मतलब आईफोन आईपैड सारा कुछ मतलब बिक रहा है यहाँ पे, मुफ्त में बंट रहा है भाई, बंट रहा है मुफ्त में। ये देखो ये कौन सा है, ये आईफोन 11 है, नहीं जी ये 11 नहीं चाहिए, 11 प्रो मैक्स है, अल्लाह का शुक्र है। ये देखो ये 12 है, 12 प्रो मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आई मैक भी था जिस पर मेरा बड़ा दिल आया हुआ आजकल, बहुत ज़्यादा दिल आया हुआ मेरा आजकल आई मैक के ऊपर। तो आई मैक तुम लोगों को दिखाता हूँ और फिर ये व्लॉग करते हैं, क्योंकि मुझे घर वालों से बड़ी गालियाँ कि तुम यहाँ पे व्लॉग बनाने आए, मदद फिरने आए हो, तो क्या कर सकते। बाकी इस पर ना ये देखो डिटेल व्यू, तो डिटेल व्लॉग बनाऊँगा तुम लोगों के लिए इसके ऊपर भी, अगर तुम लोग कहोगे तो, ठीक है। बाकी यार M1 यार ये बड़ा मुझे बड़ा फेवरेट है, ये नया आया अभी यार, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है इसका यार। ये देखो, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाओ एक मिनट रुको यार, बेइज्जती हो गई यार, क्या यार इसकी डीपी कौन सेट होती है, मतलब लेवल अलग है इसका। तो अगर तुम लोगों ने सब्र करो यार, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, जैसे जाओ इस लाल बटन के ऊपर दबाओ और इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी खैर मेरे से आईडी मांगेगा जो मेरे पास है नहीं। ये M1 के साथ जो नया आई मैक आया ये वो है आई मैक रेटिना, ठीक है। मतलब तुम लोग देखो यार क्या टेक्नोलॉजी निकाली है एप्पल ने, ये बिल्कुल मतलब स्लिम कर दिया यार, और कीबोर्ड का तो अलग ही लेवल है यार। देखो फिर तो वही है कि एप्पल बहुत प्रीमियम निकालता है, देखो कितना 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 महंगा यार, मतलब अलग ही लेवल चल रहा है इसका। तो बाकी ये अपना है आई मैक एयर है, इसकी भी बड़ा दिल आया हुआ आजकल यार, मतलब एप्पल की खास बात ये देखो, तुमने खोलना ना आराम से खुलेगा, ये देखो ये बंद है ये आराम से खुलेगा, ये कुछ लेवल है, मेरा बड़ा दिल आया हुआ इसके ऊपर। ये मैकबुक प्रो है, ये मैकबुक प्रो कितने इंच का है, 16 इंच है, ये जो है 13 इंच है, और ये मैकबुक एयर 13 इंच है। तो भाई ये कुछ ना यहाँ पे खैर वो भी विंडोज़ ऐप भी पड़े हैं, लेकिन विंडोज़ में अपना एक ही क्रच है वो गेमिंग पीसी। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तुम लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को टोयोटा वाला ब्लॉग कैसे लगा, जो मैंने अभी तुम लोगों को गाड़ी चेक कराई, तुम लोगों को कैसा लगा वो। चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।